नमस्कार, मैं हुजूबी और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मंदसौर आने पर जगदीश देवड़ा का लोगों ने जमकर स्वागत किया। जारा से मंदसौर तक भी पूरे राजमार्ग पर स्वागत की ऐसी कतारें लगी कि वह मंदसौर पहुंचने में ही 7 घंटे लेट हो गए। जहां देवड़ा का रोड शो दोपहर 12:30 बजे प्रारंभ होना था, वह श्री पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन के बाद 7:30 बजे बाद प्रारंभ हो सका। देर रात तक शहर में रोड शो चलता रहा। उप मुख्यमंत्री देवड़ा गुरुवार सुबह उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन एवं पूजा अर्चना के बाद मंदसौर के लिए रवाना हुए। उनके जावरा में अभूतपूर्व स्वागत हुआ। उन्होंने स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देवड़ा का रास्ते में गांव-गांव उत्साहपूर्वक स्वागत हुआ। उप मुख्यमंत्री देवड़ा गिरिडीह जिले मंदसौर में प्रवेश कर सबसे पहले भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर पहुंचे और प्रदेश की समृद्धि के लिए पूजा अर्चना की। आज पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर आपने दर्शन किए हैं, इस क्षेत्र के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप उप मुख्यमंत्री बने हैं। शपथ लेने के बाद पहली बार इस क्षेत्र में आए हैं, पूरे प्रदेश की के लिए क्या प्राथमिकता है आपकी सरकार की रहेगी और भगवान से क्या मांगा आपने? भगवान पशुपतिनाथ से यही प्रार्थना है, आशीर्वाद उनका यही चाहिए कि हमारा मध्य प्रदेश निरंतर प्रगति करे, आगे बढ़े, विकास के पथ पर देश में नंबर एक पर रहे और हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर आए, इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। और हमारे मध्य प्रदेश में नई सरकार, अभी इस समय मध्य प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया। मैं जनता का, मतदाताओं का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटूट विश्वास व्यक्त किया। अपार उत्साह है और जो विकास का जो काम हुआ है उसको उन्होंने आशीर्वाद दिया है। निश्चित रूप से आने वाला अभी लोकसभा का चुनाव भी है, 29 सीटें हैं। हम पशुपतिनाथ भगवान से प्रार्थना करेंगे और प्रदेश की जनता से भी आह्वान करेंगे, अपील करेंगे कि जो सरकार काम करती हो, जो सरकार देश में अच्छा काम करती हो, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती हो, इस सरकार को फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को बिठाए। 138वां स्थापना दिवस कांग्रेस का आज है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम न्याय यात्रा अब निकालेंगे, कितनी महत्व देते हैं आप इस न्याय यात्रा? सब सरकारें देखी है कांग्रेस की, पिछली केंद्र की सरकारें भी देखी जनता ने और यहाँ मध्य प्रदेश में भी दिग्विजय सिंह की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार, सब सरकारें देखी, क्या काम किया है उनने, ये जनता ने अभी वर्तमान जो चुनाव हुआ है विधानसभा का, इसमें उनने बता दिया कि कांग्रेस ने क्या काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया। इसलिए प्रचंड बहुमत से सरकार मध्य प्रदेश में भी बनी, राजस्थान में बनी,
छत्तीसगढ़ में बनी और आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री फिर प्रधानमंत्री बनकर के बैठेंगे और इस हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बजाएंगे। धन्यवाद। वो कितनी भी यात्रा करे कोई काम की नहीं। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।